वेलकम इन एसवी ट्यूशन। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ऑडिटर सैम्पलिंग ऑडिट करता है टैली डॉट ई आई पी 9 में। देखिए, सबसे पहले जो सीए है वो डिस्प्ले में जाएगा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएगा, उसके बाद टैली ऑडिट में जाएगा। मान लीजिए वो सैंपल लेना चाहता है वोचर्स का, तो ये बहुत सारे वोचर्स हैं जो विभिन्न अकाउंटेंट्स ने वोचर एंट्री के माध्यम से पास किए हैं। अब वो जस्ट रेंज में जाएगा और इसमें वो एक्सेप्ट करेगा वोचर, उसके बाद लेज़र अमाउंट। वो चाहता है कि जो गलती है, जो 20,000 या 15,000 या 10,000 से अधिक की राशि के वोचर एंट्रीज हैं, उसमें मिस्टेक ना हो, तो उसने लिख दिया ग्रेटर देन 15,000। 15,000 से अधिक कोई भी राशि की ट्रांजैक्शन जो पास हुई है उसमें मिस्टेक ना हो, तो उसको उसने एक्सेप्ट किया एंड ऑफ द लिस्ट। अब हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 ट्रांजेक्शन रह गई हैं जो 15,000 से अधिक हैं। तो एक एक को वह ओपन करेगा, जैसे इसको ओपन किया है, कैश है इस डेट में, तो उसको उसके बिल बिल के साथ वेरीफाई करेगा, क्या वाकई 17,000 है, 17,500 तो नहीं है, क्या यह 16,000 तो नहीं है। ऐसे ही जो ये सैंपल लिया गया है, तो उसको चेक करके वो वेरिफिकेशन के बाद अपनी ऑडिट रिपोर्ट देगा। इन द रेंज, इसके अलावा बहुत सारे और भी फीचर्स हैं जिसको वह यूज़ कर सकता है। एक्चुअल क्वांटिटी का सैंपल ले सकता है, कॉस्ट कैटेगरी या को बहुत सारे कॉस्ट सेंटर में से कोई स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर है जो उसकी कोई ब्रांच है, उसके वोचर एंट्रीज पास किए उसको ऑडिट कर सकता है, खास एम्प्लॉयज़ को ऑडिट कर सकता है, लेजर्स के नेम को ऑडिट कर सकता है, तो बहुत सारे सैंपल्स वो ले सकता है जिससे उसका काम कम तो हो जाएगा पर उससे वह क्षेत्रीय डिसीजन पे पहुंच जाएगा कि कोई चीटिंग, कोई मिस्टेक या कोई फ्रॉड हुआ है कंपनी में कि नहीं हुआ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी